हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए पाव भाजी स्टफ्ड पराठे लेकर के आई हूं। वेजिटेबल्स मिल रहे हैं तो इस तरह से स्टफ्ड करके इन्हें ज़रूर बनाइए कि न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही, साथ में ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो चलिए देखते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, साथ में ही मैंने 1 टेबल स्पून भर के बटर लिया है। और बटर लेने के बाद मैंने 1 बिग साइज के अनियन को फाइनली चॉप्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे ऑयल में डाल दिया है और मैं इसे ब्राउन नहीं करूंगी, बस इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भूनूंगी। साथ में ही मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो ग्रीन चिली का पेस्ट ना डाल के काट के भी ले सकते हैं बारीक, लेकिन मैंने तीनों को मिलाकर पेस्ट कर दिया था। और अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब और साथ में ही अब मैंने इसमें कैबेज, साथ में कॉलीफ्लावर, एकदम बारीक चॉप्ड कैबेज, कॉलीफ्लावर और शिमला मिर्च डाल दिया है। इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। साथ में ही मैं थोड़ा सॉल्ट डाल दे दूंगी। सॉल्ट डालने से हमारे सब्जियों का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा और ये जो ढेर सारी दिख रही हैं वो अपना पानी रिलीज कर देंगी। हमें इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, ये खुद के ही पानी में पकेंगी। और हमें इसे एकदम हाई फ्लेम पर करना है जिसमें कि सब्जियां बहुत ज़्यादा सौगी नहीं हो। जब सब्जियां थोड़ी कम हो जाएंगी भुनने के बाद तो मैं इसमें बॉयल आलू और 1 बारीक चॉप्ड टमाटो को डाल दूंगी। तब तक के लिए जब तक हम आलू वगैरह नहीं डालते हैं, इसी तरह चला चला के भूनते रहना है एकदम हाई फ्लेम पर जिसमें कि हमारे वेजिटेबल्स पानी रिलीज ना करें। क्योंकि हमें इसे पराठे में स्टफ करना है और अब देखिए जब हमारी सब्जियां थोड़ी भुन गई तो मैंने इसमें 2 मीडियम आलू बॉयल करके उसे हाथ से क्रश कर दिया, उसे डाला है। और साथ में ही मैंने 1 टमाटो को एकदम ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। बस एक ही टमाटो डालिएगा, सो भी मीडियम साइज की, ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं। हमें इसमें बस थोड़ा सा खट्टापन डालना है। और अब हम इसे बाकी मसाले को डाल के भुनेंगे। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला लिया है। इसके बाद ही मैंने लाल मिर्चा लिया है, मैंने कश्मीरी लाल मिर्चा लिया है। साथ में मैंने जीरा और धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। जीरा धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, हल्दी पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। अब सबों को मैं थोड़ा देर के लिए भून लूँगी चलाते हुए। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला डाला है। अब हमें सबों को अच्छी तरह भूनना है। हमें इसे बस अच्छी तरह भून लेना है और बिल्कुल भी पानी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। जब ये अच्छी तरह से सूखे सूखे जैसे हो जाए तब तक के लिए हमें इन्हें भूनना है जिससे कि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और हमारे वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह अपने सूख सारे मसाले उनमें लिपट जाएँ और ये अच्छी तरह से सूखे सूखे जैसे हो जाएँ। जब ये हमारे भाजी तैयार हो जाएंगे पाव भाजी वाले तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब हमारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह ठंडा हो जाएंगे तो मैं इसे पराठों में स्टफ करूंगी। इसके लिए मैंने आटे की रोटी के गोल गोल पराठे बेल लिए हैं। अब बेल के मैंने उसे कच्चा पक्का हल्का सेक लिया था। अब मैं इसमें फिलिंग करके इसे फिर से सेकूंगी। तब तक हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जिसमें कि हमारी ये भाजी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। हमारी भाजी अच्छी से ठंडी हो गई है और अब मैंने जो पहले से रोटियों को तैयार रखा था
उसे मैंने तवे पर डाल दिया है। मैंने दो रोटियों को एक साथ लिया है और दोनों में मैं अच्छी तरह से ऑयल लगा के उलट पलट के सेकूँगी। मैंने इन्हें पहले आधा कच्चा आधा पक्का ही सेका था। आप चाहें तो तुरंत ही बेल लीजिए और एक पराठे को उसमें डालिए, ऊपर से दूसरा पराठा भी डाल दीजिए। जब दोनों पराठे सिक जाएंगे तो एक एक पराठे के ऊपर मैं अच्छी तरह से अपनी भाजी को स्प्रेड करके दूसरे से ढकूंगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस रेसिपी के बारे में आप अवश्य कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, अब मैंने अपनी भाजी को एक पराठे के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। हमें इसे पूरी तरह इवनली स्प्रेड करना है और उसके बाद हमें उसे दूसरे वाले पराठे से ढक देना है। ढकने के पहले मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ को ग्रेट करके डाल दूँगी। मैंने मोजरेला डाला है, आप अपने पसंद के हिसाब से आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो डालिए। और इस तरह से दूसरे को से ढक के मैं इसे थोड़ी देर के लिए पका के फिर मैं उतार लूँगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पाव भाजी पराठे को प्लेटर में सर्व कर दिया है। इसके साथ मैंने टमेटो केचप और थोड़ा सा मेयोनीज दिया है, साथ में मैंने सलाद रखा है।